नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई महामारी के बीच में कंपनियां, आपका सेठ, आपका मालिक, आपका नियुक्ता, आपका रिस्पॉन्सर, चाहे आप किसी भी देश में काम कर रहे होंगे, 100% उन्होंने फायदा उठाया अपने वर्करों का। जी हाँ, वर्करों का कैसे फायदा उठाया बता दूं, कोविड महामारी मार्च में स्टार्ट हुई थी 2020 में, उसमें बहुत सारे देशों ने भी कानून बनाए थे, खासतौर से वी ने कानून बनाया था, वे लेबर लॉ मार्च 2020 में धारा 279 में इस तरह से एक्ट बना के कि भाई कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आप लेबर की छटनी कर सकते हैं, 50% सैलरी में जॉब लगवा उनसे काम करवा सकते हैं, होम फ्रॉम होम करवा सकते हैं, इस तरह से कुछ दिया गया था कि आप उनका बोनस काट सकते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा। और उस वो पेंडेमिक महामारी थी कुछ समय के लिए, लेकिन बता दूं इनका नाजायज फायदा लोग अभी भी उठा रहे हैं। जी हाँ, कंपनियां भी उठा रही हैं, आपके कोई छोटे मोटे जहां पर भी आप काम कर रहे होते हैं वो फायदा उठाते हैं और आपको धमकी भी देने लग जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उनके पास अभी भी हैं, आपका अग्रीमेंट हुआ था वो अभी भी हैं, वो उनकी आपको पूरी जानकारी नहीं होती है, इस वजह से वो आपको धमकी देना दबाव में इस तरह सा प्रोसेस होता है। तो एक केस भी कोर्ट में एक दाखिल हुआ था, श्रम मामला यानी लेबर से संबंधित मामला दर्ज हुआ था कि हमें 50% सैलरी दी जा रही है जो अभी तक, जो कि गलत है कानूनी तौर से। अगर इसको देखा जाए तो एक वकील के माध्यम से राय दी गई कोर्ट को, पूरा हम प्रोसेस से बताएंगे आपको, आपके साथ भी ऐसी घटना हो रही है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको भी इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कोविड या अन्य महामारी में एक बहाने से सैलरी कंपनी काटती है, वो बहाना तो थोड़े टाइम के लिए होता है लेकिन उसको खींचते खींचते लंबे टाइम तक लेके जाते हैं। जी हाँ, अगर आप बोलते हैं कि हमें पूरी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है, हमें ओवर टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमें तनख्वाह काम पूरे टाइम करवा रहे हैं, सैलरी हमें आधी दी जा रही है, तो आपको धमकी देते हैं जॉब से निकालने की। जी हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जॉब से निकाल की, छुट्टी पे भेजने की, वीजा कैंसिल करने की, इस तरह से आपको धमकी दी जाती है तो आप भी डर जाते हैं। हालांकि इन चीजों का बिल्कुल गलत फायदा उठाया गया। जी हां, बहुत सारी कंपनियों ने अपने को लॉस में दिखा दिया, आपके रेस्टोरेंट हैं सबसे ज्यादा कंपनियां हैं, आप जहां शॉपिंग मॉल हैं, पार्लर हैं, कुनाई की शॉप है, जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट इस तरह से तैयार करके कि हमें तो नुकसान हो गया जी, यानी वो एक कानून ऐसा बना था कि मुँह से बोलना है बाकी करना कुछ नहीं है, तो मुँह से बोल दिया हमें तो नुकसान हो गया जी, हम इनकी तनख्वाह कहाँ से दें, जबकि वो गलत है, झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं सरकार को और वे के लेबरों के हिसाब से, क्योंकि इसका गलत फायदा उठाया गया, इसकी कोर्ट में केस चला तब जाके इसका खुलासा हुआ। जी हाँ, तो आपको देखिए करना कुछ नहीं है, आपको आपको अगर आपका मालिक है, आपका बॉस है, इस तरह से दबाव में देता है कि देखिए तनख्वाह हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास कानून है, कानून के हिसाब से तनख्वाह देंगे वरना आपको जॉब ख़त्म कर देंगे, आपको घर भेज देंगे, आपके ऊपर दबाव डाल के सिग्नेचर करवाने की कोशिश करते हैं कि बोनस नहीं मिलेगा, आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको तनख्वाह आधी देंगे या कम देंगे, 80% देंगे, 70% देंगे, और आप दबाव में आके साइन कर देते हैं, तो साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपको बता दूँ अभी वे लेबर में ये उसको करेक्शन करके ये प्रावधान कर दिया गया है कि आपका मालिक आपका अगर ये बातें बोलता है कि हमें नुकसान हुआ तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा, यानी प्रमाण देना होगा कि रियल में मुझे नुकसान हुआ है। एग्जांपल के तौर पे आप बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल का पर्चा होता है, डॉक्टर की लिखित में दवाई होती है, तो एक प्रूफ होगा ना कि रियल में आप बीमार थे, हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट लेके आए। तो कंपनियों का अगर लॉस होता है, लॉस के बहाने आपको बेवकूफ़ बना के आपकी तनख्वाह आपके साथ ये तामझाम करती है, बेवकूफ़ बनाती है, तो उनको एविडेंस देना पड़ेगा कि रियल में हमें इतना इतना नुकसान हुआ, इस वजह से हम चलकर तनख्वाह नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, बोनस नहीं दे सकते, काम नहीं दे सकते, वीजा रिन्यू वगैरह। तो ये एक अच्छी बात है, तो आपके साथ ऐसा लग रहा है तो आप इनके इनडायरेक्टली ओपन नहीं करें तो इनडायरेक्टली आप इनके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं कि हमारे वर्करों के साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी भाई मुझे नहीं लगता कोई एक्शन लेगा, क्योंकि सब दबे कुचले होते हैं, उनको लगता है कि जैसे हम एक्शन लेंगे, आवाज उठाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, जबकि इस प्रकार के नुकसान होने वाले सिस्टम के माध्यम से आपको डराना, धमकाना, तनख्वाह कम करना, इस पे रोक लगा दी गई है। जी हाँ, जब तक प्रमाण पत्र या जब तक सर्टिफिकेट या फिर उनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, गाठा नुकसान होने वाली, बिजनेस लॉस होने वाली बात नहीं, तब तक उन पे वो मान्य नहीं करेंगे इनको तनख्वाह वगैरह। तो इन बातें समझ गए होंगे आपको, ये आपके लाइक अच्छी न्यूज़ है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय